एक्साइटेड, बहुत खुशी है. और सोमा घोष जी जो इनिशिएटिव ली है, सरीन काबिल तारीफ, बहुत खुशी है क्योंकि गज़ल एक फॉर्मेट है, पोएट्री है, और ये बच्चों तक अगर पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है. मैं भी फिल्म में कुछ गज़लें गाई हैं, जैसा कि 26/11 में नाना पाटेकर साहब जी के साथ गज़ल मैं गाई, रहमान जी के कंपोजिशन में मैं तहजीब फिल्म में गाई. तो गज़ल मुझे बहुत अच्छा लगता है और गज़ल में गायकी होती हैं, पोइट्री है, आई लव इट. और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर घनश्याम वासवानी जी, एक मशहूर गज़ल सिंगर हैं, उनके साथ सोमा जी तो बहुत अच्छा गाती हैं, और बच्चे का जो जोश देखा मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल नहीं लुप्त हुई. अब देखिए ना, फिल्मों में भी गज़लनुमा गीत जो होता था तो लोग पसंद करते थे. आज भी जो कोई अच्छा जो कुछ फिल्म में गाना बनता है वो गज़लनुमा ही होता है, तो लुप्त नहीं है, लोग पसंद करते हैं. हाँ, लेकिन हम भी फिर से उसको और रिवाइव करना है. आपकी फेवरेट कौन सी गज़ल है, किसकी की गज़ल है? मुझे मदन मोहन जी की जो गज़लें हैं, बहुत फिल्मों में जो उन्होंने गज़ल को पेश किया है, जैसे अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर क्या आँसू मुझे मेरी कसम. ये तो फिल्मों में है, लेकिन वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो के न याद हो. बेगम अख्तर की गज़ल पसंद है, नूरजहाँ की गज़ल पसंद है, मेहदी हसन किंग ऑफ गज़ल, जगजीत जी की तो बात ही कुछ अलग है. सिंपलिसिटी में गज़ल को उन्होंने आम जनता तक पहुँचा है. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सुमा जी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ. बहुत शी इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब, ऐसा होना चाहिए, और मैं उनके साथ हूँ. अभी तो मैं चेन्नई जा रही हूँ, मेरा एक तमिल सॉन्ग ए मल्ले बच बच वाड़ दे मचा ए पोवर पोरे मचा ए पोवर पोरे, ऐसा इतना बड़ा हिट हो जाएगा, मेजर हिट, ए आर रहमान जी का म्यूजिक सुपर हिट. तो वहाँ पर जा रही हूँ कुछ रिकॉर्डिंग्स. और ये बहुत खुशी की बात है कि कॉलेज की तरफ से ये सौजन्य हुआ है, क्योंकि आज चाहते हैं कि हम जो नौजवान पीढ़ी है उनसे जुड़े, क्योंकि एक तो ज़बान उर्दू ज़बान है, बोलचाल की ज़बान भी आज ख़राब हो गई है, जो हिंदी तक लोग घरों में नहीं बोलते, अंग्रेज़ी बोलते हैं. तो अगर उर्दू से भी वाबस्तगी होगी तो डेफिनेटली गज़ल भी पॉपुलर होगी. और सबसे खुशी की बात है, ये जो गज़ल जो फॉर्मेट है ना, ये सिर्फ उर्दू में ही नहीं, आज हर भाषा में गज़ल कही जा रही है, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, मलयालम तक में भी गज़लें कही जाती हैं. तो ये बहुत, क्योंकि ये जो फॉर्मेट इतना रोचक है ना, यानी आप सोचिए उसमें जो रिदम आता है ना, जो एक सस्पेंस आता है दूसरे मिसरे में, तो बेसाख्ता लोगों की वाह निकल जाती है. अच्छा, जी है, जी है, जी जी नहीं नहीं बहुत अच्छी, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप आज संगीत जब कहा जाता है तो सिर्फ बॉलीवुड की तरफ ही लोगों का रुझान होता है, बिकॉज दैट इज पॉपुलर म्यूजिक और वेरी पब्लिसाइज म्यूजिक ना. तो गज़ल का भी होना ज़रूरी है, भजन भी होना ज़रूरी है, सूफी है, जो डिफरेंट डिफरेंट जॉनराज हैं ना म्यूज़िक के, सबको एक मौका मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी विरासत है, हमारी अपनी है ना. आप ही परफॉर्म करने वाले हो तो कौन से गज़ल परफॉर्म करने वाले हो, बताएंगे जरूर. मैं अब जब ऑडियंस का रुख देखूंगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कलेक्शन है,
मैं कुछ अपनी चीज़ें भी सुनाऊंगा, यानी मेरी कंपोज की हुई कुछ जगजीत जी की भी सुना दूंगा, और कुछ मेहदी साहब की एक आध अगर गाने का मौका लगे तो, या कोई फिल्मी गज़ल। लोगों को क्या, हमारा काम है जब हम लोगों के सामने बैठते हैं तो उनसे कनेक्ट होना होता है, है ना। एक लाइन हो जाए कोई किसी जो आज गाने वाले हो, कोई या एक लाइन हो जाए। चलो एक शेर मैं आपके नजर ही कर देता हूँ। हाँ अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा। और हर गायकी की अपना अस्तित्व होता है और वो बचा के रखना बहुत जरूरी है। जैसे कोई मकान बनता है तो रूट वो आपको एकदम पुराने अंदाज से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि नई चीज में सब कुछ में गड़बड़ी है थोड़ा सा। सही बात। वो जो पुराने लोग बनाते थे, भीत बनाते थे, हाँ बच्चे को गुरु घर पे जाके तालीम देते थे कि उसका न्यू अच्छा हो, वो बात है कि हर गायकी सब कोई सब कुछ गा सकते हैं, लेकिन न्यू को रूट को बचाना और उसको नेक्स्ट जनरेशन को समझाना हम कलाकारों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात। हाँ, और वही काम हम कर रहे हैं ये रूहे गजल वर्कशॉप कॉन्सर्ट में, जो कि बनारस में हो चुकी है सनबीम स्कूल में, और कोलकाता में टेक्नो इंडिया में हो चुकी है, दिल्ली में देशबंधु कॉलेज में हो चुकी है, और ये आखिरी पड़ाव था जो बंबई में हो रही है। और सबसे पहले मैं जो कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए इस पर, क्योंकि इसमें पैसा हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि स्मॉल बजट में हम इतने शहरों में इतने लोगों को जोड़ना, बनारस में कितने आर्टिस्ट जुड़े थे, वीणा बजाने वाले, फिर रुद्र वीणा बजाने वाले, तार शनाई बजाने वाले, सारे कलाकार वहाँ पर, तो 7 दिन का वर्कशॉप किया। उन सभी कलाकारों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और हमारे जो मेन कलाकार है अनूप जलोटा जी, अशोक खोसला जी, घनश्याम वासवानी जी, विवेक प्रकाश जी जो हमारे साथ अभी खड़े हैं, वासवानी जी आप भी आ जाइए हमारे इधर पास। तो हमारे साथ जितने भी कलाकार जो कोई पैसे के लिए नहीं, हमारे साथ जितने भी कलाकार जो पैसे के लिए नहीं, इस मकसद के लिए जुड़े हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। पंडित रमेश झूले जी, फिर जाजिम शर्मा, और भी जितने भी लोग, सब मधुश्री जी, हाँ तो अब नाम ले ही लिया मैंने, और सभी को मैं हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये सिलसिला अभी जारी रहेगी, क्योंकि आज जो संगीत हमारे खतरे में है, जो मैं महसूस कर रही हूँ कि पैसा कमाना ही जिंदगी में सब कुछ नहीं, कुछ भी तो जाता नहीं ऊपर लेके हम, लेकिन हम जो देख के जाएंगे, जो हमारे संगीत के लिए जाने जाते थे इतने बड़े बड़े, भारत बिस्मिल्ला खान, पंडित रविशंकर जी, पंडित जसराज जी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, बेगम अख्तर, मेहदी हसन जी, उन्होंने जिंदगी दिया। जब खान साहब के अंतिम क्षण में उनको एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपकी ख्वाहिश है, तो उन्होंने कहा कि मुझे संगीत ही नहीं मिला एट द एज ऑफ 92। और उन्होंने, हाँ बताइए जरा, क्या संगीत को समझते समझते जिंदगी बीत जा रही है। और आज जो ये जो रियलिटी शोज हो रहे हैं ना, उसमें बच्चे बहुत अच्छे गाते हैं लाजवाब, लेकिन उनको बोलने के लिए ऐसे घनश्याम वासवानी जी जैसे, विवेक प्रकाश जी जैसे जज होने चाहिए। खाली दिखावे की जजमेंट होने से नहीं होगा, ऐसे गुरुजन जब होगा तो एक बच्चे को समझ में आएगी कि संगीत क्या है, क्या है, क्योंकि उनकी क्राइटेरिया होती है कि जब तक वो बॉलीवुड में नहीं गाए तो उनको जज नहीं बनाया जाएगा। ये बहुत गलत बात है। मैंने एक शोज में देखा कि बच्चे को ठुमरी गाने के लिए बोला गया, वो गजल गाया और उसने अल्फाज भी बहुत गलत गाया और जजेस उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे, तो बच्चे का क्या फ्यूचर होगा आप बताइए। ये सब बातों को सोचते हुए ये जो बड़ा दुख होता होगा, बहुत दुख होता है कि हम लोग जान दे रहे हैं अपने संगीत के लिए और ये कुछ भी करके लाखों का कमा रहे हैं और हम लोग को पैसा ही नहीं मिलता। आप देखिए ना इस बात, तालीम भी दे रहे हैं और
हम तो उनके स्टेज में नहीं जा रहे ना, लेकिन हमारे स्टेज में वो क्यों हावी हो गए, वो स्टैंड अप कॉमेडियन, वो तामझाम हमारे सिंपल स्टेज में क्यों आ गए हैं? सही बात है। तो हमारे कलाकार तो अभी परिवार छोड़ छोड़ के अमेरिका चले जा रहे हैं, यूरोप चले जा रहे हैं कि घर संभालना है। अगर उन लोग चले जाए तो भारत किसके लिए जाना जाएगा बताइए, किसके लिए जाना जाएगा? और इसके पहले हमने लोक संगीत पर पूरा भारत भ्रमण किया था, अब रूहे गजल पे भारत भ्रमण कर रही हूँ, आज अंतिम कड़ी। हम इन सभी कलाकारों को हृदय से धन्यवाद देते हैं, सर झुकाते हैं, नमन करते हैं। हम सबकी तरफ से धन्यवाद। देखिए, मैं ये कह रहा था कि एक बहुत बड़ी बात होती है जो हम सब ने जानी है अपने अपने जिंदगी में, अपने अपने जीवन में, कि अगर समाज में कोई बदलाव लाना है तो बच्चों से शुरू करना पड़ेगा। और ये बीड़ा उठाया है शोमा घोष जी की मधुमूर्छना ने, या मधुमूर्छना के माध्यम से शोमा घोष जी ने ये बीड़ा उठाया है कि समाज में बदलाव लाना है। जैसा आपने कहा कि गज़ल लुप्त हो रही है, मुझे लगता है गज़ल लुप्त नहीं हो रही है, गज़ल के बारे में लोगों को जानकारी एक बार दीजिए तो सही। अभी आपने देखा कितना सुंदर प्रोग्राम हुआ, और हर शहर में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हर शहर में इसी तरह का बच्चे लोग जो हैं वो अप्लाउज करते हैं, बच्चे लोगों को पसंद आता है और वो दाद देते हैं, बाकायदा मज़ा लेते हैं। अभी आपने देखा जब इन्होंने गाया शोमा जी ने तो कितना मज़ा लिया, ऐसे अभी आप देखें घनश्याम जी ने जब दो शेर पढ़े तो बच्चों को कितना मज़ा आया। कोई बताने वाला तो हो उनको, अगर आप बताएंगे नहीं फिर बाद में कहेंगे कि गज़ल लुप्त हो रही थी, ये तो बात गलत है। आप पहले भाषा सिखाएंगे नहीं बच्चे को ठीक से, जब भाषा वो सीखेगा, भाषा का आनंद लेना चाहेगा या जानना मतलब सीख जाएगा, तब उसे हर तरह के लिटरेचर में बताएगा। और गज़ल तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप न मालूम कितनी बातें कह सकते हैं, सिर्फ दो लाइनों में एक बात, एक थॉट, एक पूरी पूरी कहानी पूरी हो जाती है। तो आप शुरू तो करिए, और ये बीड़ा अब हम सब ने मिलकर उठाया है, हम सब बहुत सारे शहर में कार्यक्रम करके आए हैं, सब लोग हमारे साथ हैं ना, हम सब अभी इस गज़ल की शमा को और आगे लेके जाएंगे। और अभी देखिएगा ये जनरेशन सुन रही है, ये बच्चे सुन रहे हैं, इनके बच्चे भी सुनेंगे गजल। समझिए तो लोग काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे हैं अपनी मतलब गजल को लेके, जैसे आप रीजन में आते हैं अपना धंधा चलाने के लिए, मतलब काफी सारे रियलिटी शो शो चलते हैं, बहुत सारे चीज चलते हैं, उनके उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, उनके स्टेज में हमारे शास्त्रीय संगीत की बातें हो, उनके कलाकारों को इक्वली, जैसे ग्लैमरस वर्ल्ड के सब फिल्म स्टार को लेके आते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों को लेके आते हैं, सेम वहाँ पर शास्त्रीय कलाकारों को वही सम्मान दे के लेके आए। क्योंकि पहले शास्त्रीय कलाकारों का सम्मान सबसे ज़्यादा था। मैं बता रही हूँ कि ओंकारनाथ ठाकुर जी किसी की परवाह नहीं करते थे, वो प्रधानमंत्री को भी बैठा देते थे अपने उसमें से, खान साहब के सामने राष्ट्रपति भी थरथरा रहते थे, हमने खुद अपने आंखों से देखा है। आज ये हमारी कमी है कि हम अपने आप को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, अपने संगीत को हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम सब अपने संगीत को सम्मान देंगे तो हम वही जगह छीन के लेंगे। जो मैंने अभी ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में मैं गई थी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें सारे वर्ल्ड के खाली फिल्म स्टार ही थे, प्लेबैक सिंगर थे, मैं ही एकमात्र गायिका थी। और मैं जब उतरी गा के चार ही लाइन गाई थी तो जीना तमान जी ने कहा कि यू मेड अ डे, आपने पूरा इवनिंग को छीन के चले गए चार लाइन में। तो इतना ही कहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कहा गया आपसे कि ये कॉन्सेप्ट करना है, या किसी कल्पना थी कि जब तक हमारे कॉन्सेप्ट करना है कॉलेज में गजल की करनी है, गजल का कॉन्सेप्ट करना था फर्स्ट टाइम आपके कॉलेज में आए थे, तो फर्स्ट क्या रिएक्शन था आप लोगों का और बच्चों के सामने गजल? गजल इन दिनों शायद लुप्त हो रही है मेरे ख्याल से। आप देखिए, लुप्त तो हम ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन गज़ल सुन करके जिस तरह से एक लोगों में एक एक्साइटमेंट होता है, थ्रिल होता है, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि लुप्त हो रही है। क्योंकि देखिए, जो साहित्य है वो हम किसी तरह से पहुँचा रहे हैं, लेकिन हाँ, आज आपके इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से, हम अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदी की बात तो करते हैं, लेकिन क्यों हम स्कूल्स में से हिंदी निकाल रहे हैं? क्योंकि हिंदी रहेगी तभी गज़ल रहेगी, तभी कविता रहेगी। और शोमा जी के साथ मेरा कोलैबोरेशन आज पहली बार नहीं है, बहुत सालों से मैं, हमारी दोस्ती है, और जो भी अच्छा काम करती हूँ उसमें उनके साथ रहती हूँ। और मुझे ये लगता है कि हमारे जो युवा पीढ़ी, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको जब तक हमें संस्कार नहीं देंगे उनको मालूम कैसे पता चलेगा? तो ये ज़रूरी है कि हम उनके बीच जाएं, ये अवेयरनेस लेकर आएं। और यहाँ क्योंकि पी डी लायंस कॉलेज बहुत, हमेशा से मैंने देखा है कि आप यहाँ की जो ट्रॉफीज है, इस कमरे में भी देखिए, उस वहाँ पर प्रिंसिपल सर के ऑफिस में भी देखिए, कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं हर फील्ड में आगे रहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा भी चुकी हूँ और मुझे पता है कि यहाँ के बच्चे संगीत
संगीत हो या कुछ भी हो, हर चीज़ में वो काफ़ी आगे रहते हैं। तो यहाँ जैसे जो चेयरमैन है श्री शरद रुया जी, वाइस चेयरमैन है श्री कमल रुया जी और ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं श्री कन्हैयालाल सराफ जी, तो जब हमने उनको बताया कि हम इस तरह से बच्चों के बीच में ये करना चाह रहे हैं, जब हमने उनको बताया कि हम बच्चों के बीच में हम इस तरह से करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने हमारे एक कॉल पर ये डिसीजन लिया। तो हम मतलब पूरा मधु मूर्छना और मैं पर्सनली भी, क्योंकि मैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हूँ, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मधु मूर्छना कह इसलिए कि वो इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। तो और जो मैं आपने देखा वहाँ थी, जो बच्चे जिस तरह से एंजॉय कर रहे थे, उसका मजा ले रहे थे, और मुझे 100% ये विश्वास है कि थोड़े दिनों के बाद इनमें से कोई ना कोई गजलकार हमारे सामने होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लगा नहीं कि जगह छोटी लगी, थोड़ी जगह बड़ी अच्छी लगी, तो बच्चे और आते और। तो ये तो फिर उसके बाद में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज्यादा हमारा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल जिस तरह से हर आप ऑडिटोरियम लेने जाएं तो ऑडिटोरियम हर जगह महंगे हैं, साउंड सिस्टम है, एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली। तो अगर ये आपको लगता है कि हाँ, तो आप अपने मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा बात पहुंचाइए और हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम बड़े से इस बड़ा क्या आप बोलिए, हम तो जितना बड़ा बीकेसी नहीं करना चाहेंगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे, पर हमारी जितनी मतलब क्षमता थी उतनी हमने किया, बिकॉज हमको एक डेट पर करना था। तो आज लेकिन आप ये देखें कि हमको एक बोलते हैं ना कि हर चीज से हम सीखते हैं, बच्चा पहला कदम चलता है तो सीखता है, तो हमको समझ में आया कि वाकई और बड़े ऑडिटोरियम में होना चाहिए। तो आप ये देखें, यही आपने खुद अपनी बात को वो कहा कि इतनी छोटी जगह थी, पूरा पैक था पूरा, तो बीके से भी पूरा पैक होगा। तो मधु मूर्छना और पीडी लायंस कॉलेज के लिए हम बिल्कुल वी शुड चीयर अप, बिकॉज इतना अच्छा एक उन्होंने प्रयास किया, और शोमा जी इसको ऑल ओवर इंडिया कर रही हैं। बॉम्बे में ये पहला था और पीडी लायंस कॉलेज में ये हुआ है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत के सैनिक के लिए हम कहते हैं ना कि 100-100 के बराबर होता है, तो ये जो जितने भी बच्चे थे वो 100-100 के बराबर थे। जी, थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, आपने देखा समझ जी? हाँ, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कदम श्री डॉक्टर सोमा गुरु जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे एक सुनहरा मौका दिया आकर सुनने के लिए। और पदम श्री डॉक्टर सोमा गुरु जी जो आज उन्होंने एक अभियान शुरू किया है भारतीय सभ्यता संस्कृति और संगीत को बचाने के लिए, तो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और मैं उनको मतलब कहते हैं उनकी तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ इतनी, बल्कि कि एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर होता है। तो सोमा जी का, पदम श्री डॉक्टर सोमा जी का बहुत आभार है। ऐसे ही भारतीय सभ्यता संस्कृति को और संगीत को आगे बढ़ाते रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ। आपका सहयोग किस तरह से? मेरा सहयोग ये है कि मैं भी लास्ट टाइम रूहे गज़ल दीदी के साथ में 2018 में कर चुका हूँ, और उसके बाद में अभी लास्ट टाइम हमने एक याद बिस्मिल्ला पदम श्री सोमा घोष जी के साथ में किया है, और मैं रूहे गज़ल में बिल्कुल उनके साथ में जुड़ा हूँ। और आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हम देश और विदेश में पदम श्री डॉक्टर सोमा घोष जी के और सारे लोग मिलकर करेंगे, हमारी प्लानिंग चल रही है।